आपसे मिलना मेरे YouTube चैनल पे बाबा स्वागत है फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू और पालक की सब्जी, वो भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल। इसे आप चपाती के साथ, नान के साथ या फिर परांठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हमने ऑयल लेना है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू को हम लगातार चलाते रहेंगे। आलू को हमने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। तो ये देखिए आलू लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो अब हम इन्हें किसी प्लेट में निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल को हम निकाल देंगे, हमने सिर्फ दो चम्मच ऑयल ही रखना है। अब हम इसमें दो साबुत मिर्च डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। आधा चम्मच जीरा डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच जिंजर और काले का पेस्ट डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब देख सकते हो ये अच्छे से भून चुका है तो अब हम इसमें दो कटे हुए प्याज डाल देंगे और तो प्याज को भी हम अच्छे से भून लेंगे। हम इसमें दो कटी हरी मिर्च डाल देंगे, इसे भी हल्का सा भून लेंगे साथ में। अब हम इसमें दो टमाटर की पेस्ट डाल देंगे, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भून लेंगे अच्छे से। मिर्ची को हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि मसाला अच्छे से बन जाए। टमाटर को हमने अच्छे से भून लेना है। आप देख सकते हो कि टमाटर हमारे अच्छे से भून चुके हैं तो अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। धनिया डालेंगे आधा चम्मच और आधा चम्मच इसमें हम जीरा डाल देंगे। इन सभी मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे हम एक से दो मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। मसाले अच्छे से भून चुके हैं तो अब हम इसमें कटी हुई पालक डाल देंगे। पालक को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख रहे हो कि अभी पालक देखने में बहुत ज़्यादा लग रही है तो जैसे जैसे हम इसे मसालों के साथ भूनते हुए चले जाएंगे ये बहुत ही कम हो जाएगी। इसे हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। आप देख सकते हो कि पालक रिड्यूस होनी शुरू हो चुकी है। ऐसे ही हम इसे थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। इसे हम बीच बीच में हिलाते रहेंगे। तो अब हम इसे ढक देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे। तो आप देख सकते हो कि पालक अच्छे से पक चुकी है। अब देख सकते हो कि ये अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। क्योंकि हमने इसमें पहले नमक ऐड नहीं किया था तो अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। साथ ही हम आधा चम्मच इसमें गर्म मसाला ऐड कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है।
तो ये देखिए पालक हमारी पल कर तैयार है, गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर देते हैं। इसे आप चपाती के साथ, परांठे के साथ या फिर नान के साथ भी सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। अगर आपको मेरी ये ढाबा स्टाइल रेसिपी अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।